नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्टॉक जिसका जो है दोस्तों प्राइस अराउंड एक रुपया या एक रुपये से कम पर ही है। सो सबसे पहला स्टॉक जो आपको दिख रहा है पजल इंटरनेशनल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसका अगर हम लोग प्राइस देखें तो एक समय ऐसा था जब ये हाई बनाया था तो 267 का हाई बनाया था और आज के डेट में ये स्ट्रगलिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है दोस्तों? आप सबको पता है कि कोई भी स्टॉक जब पेनी स्टॉक होता है तो उसका फंडामेंटल पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो कहीं ना कहीं बैंकरप्टेड हो जाता है। अब दोस्तों बैंकरप्टेड सोचिए, जो स्टॉक 200 का हुआ करता था और आज के डेट में मात्र 43 पैसे, मतलब 40 पैसे का ये स्टॉक, और इसमें कहीं ना कहीं फंडामेंटल अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो क्या इस स्टॉक को यहाँ पर लेना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ मैं आपको जो बता दूँ, वो प्रमोटर का स्टेक है। जो प्रमोटर का स्टेक धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें बढ़ाया जा रहा है, तो हमें सबसे पहले पजल इंटरनेशनल को देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर हमें 100 रुपये, 500 या 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टारगेट कितना तक हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसमें 40 पैसे, मतलब हमारे पास खोने के लिए इस स्टॉक में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये स्टॉक ऊपर की साइड में जाता है तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है ये हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। फिलहाल आप देखेंगे दोस्तों तो ये अराउंड जो है 79% का प्रॉफिट लास्ट 6 मंथ में दे रहा है। सो हमें फ्रेंड्स इस स्टॉक को थोड़ा बहुत यहां पर देखना ही चाहिए। अब अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में जो इसके कर्जे थे, जो डेब्ट थे दोस्तों, वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब हम बिना देर के हुए अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आएंगे और नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर हम लोग देख लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर इसके टारगेट की बात करें पजल इंटरनेशनल की, तो पजल इंटरनेशनल में फ्रेंड्स इसका टारगेट अराउंड 2 रुपया, 2.5 रुपया या 3 रुपये के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर फंडामेंटल सब कुछ बढ़िया रहा तो ऐसा हो सकता है कि ये आगे आने वाले दिनों में अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ सकता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा, एक ऐसे ही स्टॉक था TTML। जी हाँ दोस्तों, उसका प्राइस इसी तरह से 30 पैसे 40 पैसे 1 रुपये पे हुआ करता था और आज के डेट में उसका प्राइस 70 रुपये के अराउंड पहुंच गया। कहीं ना कहीं अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगा रहा था, लेकिन अब देखेंगे उसको एक दो दिन से थोड़ा सा लोअर सर्किट पर आया है। सो उसी तरह किसी अगर आप पेनी स्टॉक में सर्च कर रहे हैं तो इस स्टॉक को अपने वॉचलिस्ट में जरूर डालिएगा। बाई कीजिए या ना कीजिए, लेकिन वॉचलिस्ट में इसको डालिए और इसका फंडामेंटल एक बार आप भी देखने की कोशिश कीजिए। अगर इसका फंडामेंटल हमें बढ़िया लगता है फ्रेंड, तो इसे जो है अब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा, नेक्स्ट स्टॉक को थोड़ा सा हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहां पर एक और स्टॉक को सर्च करें, ठीक है, तो ये है दोस्तों, देखिएगा वी सागर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें वी सागर पॉलिटेक्स लिमिटेड, वहीं अगर हम लोग बात करें सिंटेक्स, जो सिंटेक्स रिसेंटली आपने सुने होंगे न्यूज में आया था कि उसको रिलायंस ने कहीं एक्वायर कर लिया और वो स्टॉक 2 रुपये 2.5 पर हुआ करता था, आज के डेट में 6 रुपये 7 रुपये पर पहुँच गया और वो भी अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसे देखें तो ये अराउंड जो है वन डे पर 6.25% का रिटर्न दे रहा है। अगर हम 5 दिन की बात करें तो यहाँ पर 5 दिन का रिटर्न हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर 1 महीने की बात करें इस स्टॉक में तो हमें इसका जो है प्रॉफिट अराउंड 13.33% का यहाँ पर रिटर्न दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, इसका प्राइस अभी है 0.85, मतलब 85 पैसे हैं, और एक ये स्टॉक जो है ना पिछले कंपनी की अपेक्षा इसका फंडामेंटल कहीं ना कहीं और भी मजबूत दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं FIs और DIs अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वहीं जो प्लेडिंग थी प्लेडिंग को कम किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें प्रमोटर के स्टेक की बात करें तो प्रमोटर का स्टेक अपना कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है, और वहीं अगर हम बात करें इसके प्राइस में तो प्राइस आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से इसमें मोमेंटम हो रहा है। सो ये हमारा दूसरा स्टॉक होगा वी सागर पॉलिटेक्स लिमिटेड।
अगर आपको अच्छा लगे तो इस स्टॉक को भी अपने वॉचलिस्ट में ऐड कीजिएगा, और वॉचलिस्ट में ऐड करने के बाद से दोस्तों इसमें अगर कहीं मोमेंटम, जिस तरह से हम लोगों ने सिंटेक्स को देख लिया, सिंटेक्स के बाद से हम लोगों ने देखा TTML, आखिर ये स्टॉक भी ऐसे ही थे, इनका भी प्राइस ₹1-₹1.5 हुआ करता था, और आज के डेट में ये लोग भयंकर रिटर्न दे रहे हैं। सो इस सीरीज में ये जो दोस्तों YouTube चैनल है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो विश्वास मानिए दोस्तों, ऐसे ऐसे स्टॉक्स में लेकर के आऊँगा जिसमें कम पैसे लगा करके आगे आने वाले दिनों में हम लोग एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं। सो ये हमारा दूसरा स्टॉक हो गया। अब हम बात करने वाले हैं जो तीसरा स्टॉक है, तो तीसरा स्टॉक की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो उसका फंडामेंटल तो बहुत ही जबरदस्त है। इन दोनों कंपनियों की अपेक्षा इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, इसका जो मैं अभी बताने वाला हूं उसका प्राइस मात्र 9 पैसा हुआ करता था, और हाई बनाया उसने ₹2.48 का, थोड़ा सा नीचे आया और फिर कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में निकल चुका है। सो बिना देर के हुए उस कंपनी को भी आपके सामने लेकर के आऊंगा, और फिर इस कंपनी को भी हम लोग देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग बात करेंगे, देखिए इस कंपनी का नाम है FCS Software Solution। जी हाँ दोस्तों, FCS, अगर हम बात करें FCS Software की, तो यहां पर देखिएगा मात्र कितने दिन में, मतलब एक मंथ में इसने 6.45% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो 65% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका प्राइस कितना हुआ करता था, इसका प्राइस आप जस्ट इसको जब चार्ट पर लेकर के जाएंगे और चार्ट पर देखेंगे, तो मैं चार्ट पर ही क्यों ना इस स्टॉक को देख लेते हैं। और अगर हम बात करें चार्ट पर, देखिए ये स्टॉक फ्रेंड्स इसी तरह से हाई कितना बना था, अगर हम हाई की बात करें तो देखिएगा इस स्टॉक का हाई था ₹15, और ₹15 के बाद से इस स्टॉक ने लो अराउंड बनाया 80 पैसे या 90 पैसे का, यहां पर हम दिखा देते हैं 10 पैसे का लो बनाया, और लो बनाने के बाद से यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसने हाई भी बना दिया है ₹2.50 का। अब यहां पर अगर हम बात करें लो की, तो लो इसने बनाया ₹1.30 वाला अभी रिसेंटली, तो अगर हमें स्टॉप लॉस इस कंपनी में लगाना हो तो ₹1.30 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की साइड में फ्रेंड्स सबसे पहला जो स्विंग ट्रेड के लिए टारगेट होगा वो टारगेट हम ₹2.30 का रखेंगे, और ₹2.30 जिस दिन फ्रेंड्स ब्रेक करता है उस दिन हम लोग कम से कम 4-5 रुपए का टारगेट रखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इसका फंडामेंटल जिस तरह से ये कंपनी अपने कर्जे मतलब डेब्ट को फ्री कर रहा है, वहीं प्रमोटर का स्टेक धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, वहीं अगर हम बात करें FISDIs का इंटरेस्ट, इनकी नजरें स्टॉक पर पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि ये है एक IT स्टॉक दोस्तों, और IT स्टॉक में अगर पेनी स्टॉक मिल जाए तो वो हमें मल्टीबैगर बना सकता है। सो फ्रेंड्स इस 3 स्टॉक के ऊपर आप नजर जरूर रखिएगा। और फ्रेंड्स चलते चलते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पेनी स्टॉक में बहुत ज्यादा अपने पैसे डालने की जरूरत नहीं है। हाँ देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी ने जिस तरह से टाइटन को ₹3 पर पकड़े, और आज के डेट में टाइटन अराउंड 1500-2000 के ऊपर पहुंच गया, तो इस तरह से दोस्तों अगर हम कुछ पैसे डालते हैं और वो स्टॉक ऊपर भागने लगता है तो हम अपने जो है पैसे उसमें बढ़ा करके एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। सो इसी के साथ विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेनी स्टॉक्स के साथ।